वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक अ न्यू व्लॉग एंड हैप्पी होली। तो आज है छोटी होली, मतलब आज है पूजने वाली होली। तो मैंने सोचा क्यों ना आज व्लॉग किया जाए, क्योंकि होली के फंक्शन पे सॉरी होली के त्योहार पे व्लॉगिंग तो बनती ही है। तो इसलिए मैं आज कर रही हूँ व्लॉग। तो मम्मी और पापा गए हुए हैं गुड़गांव, तो आज सब कुछ मुझे ही करना। और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि शादी के बाद मैं पहली बार अपने आप सब कुछ करूँगी होली पे। मुझे थोड़ी नर्वसनेस भी हो रही है, बट चलो कोई बात नहीं, जैसा भी होगा। मम्मी को जब चाहूँगी पूजा करने से पहले मम्मी को कॉल करके सारा दिखवा दूँगी, वीडियो कॉल करूँगी, ताकि मम्मी मेरी पूरी प्लेट देख लें कि मैंने ठीक किया है नहीं किया है, और जो कमी होगी वो मम्मी मुझे बता देंगी। तो इसलिए मुझे थोड़ी ये है कि एटलीस्ट मम्मी मुझे इतना तो बता ही देंगी वहाँ से वीडियो कॉल पे कि मैंने क्या क्या तैयारी ठीक करी है नहीं करी है। और लास्ट ईयर की मेरे पास होली की क्लिप्स हैं, तो मैं उसमें देख के प्रॉपर और सब देख लूँगी। बट फिलहाल चलते हैं किचन में और बनाते हैं खाना। तो अभी मेरा प्लान ये है कि हम लोग खाने में बनाएंगे आलू टमाटर की सब्जी, आलू गोभी और पूड़ी, और साथ में बनेगा हलवा। और चलते हैं और फिर देखना आप। जी ऑलमोस्ट मेरा खाना बन गया है, बस पूड़ियाँ रह गई हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि उससे पहले मैं जाके होली पूजन कर आती हूँ। तो मैंने ये सूट पहना है, दुपट्टा, मैं आपको पूरा दिखा दूँगी लुक अपना। बट उससे पहले मैं मेकअप कर लेती हूँ, मैं और पीछे की लाइट बंद करती हूँ, रुको दो मिनट। ओके, सो सबसे पहले मैं अपनी स्किन को करूँगी मॉइस्चराइज एज ऑलवेज। प्रॉपर मेकअप वेकअप तो मैं नहीं करने वाली, हल्का फुल्का ही करूँगी। और हल्का सा टेंट मैं अप्लाई करती हूँ, तो ये लोटस का जो है ये सनस्क्रीन के साथ साथ हल्का सा इसमें टेंट है, तो वो मेरा बहुत है उतना मेरे लिए। यूज करूँगी ये रहने का स्किन टेंट, ये रहा, ये बहुत अच्छा है इसका। सच में एप्लीकेशन भी बहुत इजी है, बहुत जल्दी अप्लाई होता है और इतना नेचुरल टिंट देता है ना ये। और मैं इसके जो यहाँ पे इसके कवर में कहो या ढक्कन में कहो उसमें लगा रहता है, मैं उसी से अप्लाई कर लेती हूँ ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने कुछ अप्लाई किया है। लिक्विड ब्रश का ब्रश देख रहे हो मेरे स्किन पे कितना हेल्दी ग्लो आ गया इससे। जी बस हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम अब जा रहे हैं पूजा करने के लिए। और देखती हूँ कि मैं व्लॉग करूँगी नहीं करूँगी, क्योंकि दोनों बच्चों को भी देखना है, पूजा भी करनी है और मम्मी भी नहीं है, तो अब सब कुछ मुझे ही करना है। पिछले साल मम्मी ने पूजा करी थी, तो इसलिए फिर मैंने कर ली थी व्लॉगिंग। अब देखते हैं क्या होगा। तो जी हम लोग नीचे आ चुके हैं और मैं देख रही हूँ कि सामने कुछ लेडीज पूजा स्टार्ट कर चुकी हैं। शशांक लेकर हैं कायरव को प्रेम में और कियारा है मेरे साथ, ये रही। और बस अब हम भी पूजा शुरू करेंगे अपनी। यहाँ कुछ कलर से भी खेल रहे हैं बच्चे। लेके आया था नीचे से हम लोग घर पे से, बस मुझे वो लेके आनी है, वो भाई के प्रेम में रखी हुई है। माला नहीं लाए वो, मुझे इसमें से एक माला देनी है मंदिर में, उसके बाद मैं शुरू करूंगी पूजा आके, ठीक है। आप पहना दो, मम्मी को मैं दिखा दूंगी साथ साथ। मम्मी खेलेंगे। हाँ अपने घर अपनी बालकनी में खेलेंगे। अब मैं पूजा शुरू करूं? रुक जाओ। हैप्पी होली क्या रहा है? हैप्पी होली, हैप्पी होली। बस बिंदी जाती है। हैप्पी होली, मेरे पास से ले लो आप भी। सेम टू यू। चलो जी अब हमारी हो गई पूजा, अब हम चलते हैं घर। तो
जी पूजा करके आके मैंने चेंज कर लिया था और आती सबसे पहले चेंज करके मैंने बनाई पूड़ियाँ, क्योंकि सब्जी जो है मैं मॉर्निंग में बना चुकी थी और अब बची थी सिर्फ मेरी पूड़ी, तो मैं बना चुकी हूँ। बस अब मैं शशांक को लंच दूंगी और उसके बाद मैं पीऊंगी चाय, क्योंकि मेरा व्रत है तो कोई मेरे पे ऑप्शन है नहीं अब कुछ करने का, तो इसलिए चाय बची है। और मेरी ये कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है, मैंने फर्स्ट टाइम पहनी है। आप बस मैं शशांक का लंच गर्म मतलब सब्जियाँ गर्म कर रही हूँ क्योंकि वो ठंडी हो गई रखी रखी। और अब मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, मैंने सफाई फाई भी कर ली क्योंकि बच्चों ने बहुत गंदा कर दिया था, बस मेरा बचा है हलवा बनाना, वो बनाऊंगी मैं शाम को। और सब्जी गर्म हो गई तो शशांक को लंच देके फिर आपसे मिलती हूँ। तो हम लोग आए हैं बच्चों के यहाँ कुछ कपड़े लेने के लिए फर्स्ट ट्राई में। शशांक आए थे फर्स्ट ट्राई बच्चों की शॉपिंग के लिए, कुछ कपड़े लेने थे और साथ साथ में देख रही हूँ कि मुझे अगर आसमान में तारे दिख जाए तो और अच्छा रहेगा क्योंकि मुझे फास्ट खोलना है। गुंजिया लेनी थी कल के लिए, मैं वो लेने आई हूँ। मैंने सुना है यहाँ की इनकी गुंजिया अच्छी होती है। हाँ तो गुंजिया ख़त्म हो गई, अब देखती हूँ कहीं और मिलती है तो, क्योंकि मुझे ड्राई चाहिए और यहाँ पे ड्राई नहीं है, तो देखते कहीं और मिलती है आसपास। तो किट आई थी यहाँ दूर दूर तक, कहीं स्टार नहीं दिख रहे थे, मुझे लगा कि यहाँ रोड से आई थिंक मिल जाए, पर कहीं नहीं दिख रहे हैं दूर दूर तक स्टार। मुझे भूख लगी है, आई एम नॉट स्टारविंग, बट मैं सोच रही थी कि मार्केट आने के बाद यहाँ पे आसपास कहीं मुझे स्टार्स दिख जाएंगे तो मैं घर जाके जल दे के आराम से अपना व्रत खोल लूँगी और कुछ खा लूँगी, पर यहाँ पर तो मिल ही नहीं रहा, तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो जी मैं मार्केट वगैरह सब कुछ होके आ चुकी हूँ और मैंने मार्केट में भी बहुत ट्राई किया कि कहीं मुझे स्टार दिख जाए, बट मुझे कहीं नहीं दिखे। हाँ बेटू, तो अब ऐसे ही जल दे के और फिर अपना व्रत खोलूँगी क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो जी मैं जा रही हूँ अब नीचे मंदिर में क्योंकि वहाँ होली का पूजन है। वैसे नॉर्मली हमारे यहाँ से कंपलसरी नहीं है जाना है या नहीं जाना है, बट मेरा मन था कि जाने के लिए, हम लास्ट ईयर भी गए थे तो इसलिए मैं उतर रही हूँ। और शशांक और बच्चे थोड़ी देर में आ जाएंगे अगर उनका मन होगा तो, पर मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी नीचे हैं तो इसलिए मैं थोड़ी देर जाऊँगी और वापस आ जाऊँगी। होलिका देवी जो हमने सुबह पूजन किया था, अब 11 बजे इसका दहन होगा और वहाँ हो रहा है कीर्तन। पंडित जी तैयारी करने लगे होलिका दहन के लिए।
नीचे से आ गई हूँ और बहुत मज़ा आया। मैंने वीडियोस भी खूब बनाई है, लाइव भी गई थी बीच में मैं, और अब मैं घर आई हूँ और मुझे फिर से फेस वॉश करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ जो जानने वाले थे सबने मुझे कलर लगा दिया। तो कोई बात नहीं, हैप्पी होली। और हाँ, मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ, कल का ब्लॉग कल शुरू करेंगे, अभी ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। सो बाय बाय। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।